वेलकम बैक टू अपनी स्कूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड 3। प्यारे बच्चों, आज हम अंग्रेजी लेटर HLRS सीखेंगे और इन्हीं लेटर्स पर भूमि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, नेम द पिक्चर्स इन ईच स्ट्रिप इन इंग्लिश। ऑल द वर्ड्स इन ईच स्ट्रिप बिगिन विद द सेम साउंड। से द साउंड, सर्कल द लेटर दैट शोज द साउंड। इसका मतलब है, हर 70 की तस्वीरों के नाम अंग्रेजी में बोलो। हर 70 के लफ्ज एक ही आवाज से शुरू होते हैं, वो आवाज तलाश करो। इस आवाज के हुर्फ के गिर्द दायरा बनाओ। तो चलो देखते हैं हम फर्स्ट स्ट्रिप यानी पहली 70। ये है फर्स्ट स्ट्रिप यानी पहली 70, और इस पहली 70 में आपको 5 पिक्चर्स नजर आ रहे हैं। हमें सवाल के मुताबिक क्या करना है, सबसे पहले तस्वीरों के नाम अंग्रेजी में बताना है। पर एक बात याद रहे, ये तमाम तस्वीरों के नाम एक ही आवाज से शुरू होते हैं। तो फिर चलो पहले जान लेते हैं तस्वीरों के नाम। पहली तस्वीर का नाम है लॉक, दूसरी तस्वीर का नाम है लॉयन, तीसरी तस्वीर का नाम है लिफ, चौथी तस्वीर का नाम है लेमन, और लास्ट तस्वीर का नाम है लैम्प। इन तमाम तस्वीरों के नाम ल की आवाज से शुरू हो रहे हैं, और ल को अंग्रेजी में एल कहते हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे के लेटर्स यानी हुर्फों में एल तलाश करना है और उसके गिर्द सर्कल यानी दायरा बनाना है। तो फिर चलो हमें लेटर्स को पढ़ते हैं। पहला लेटर है एच, दूसरा लेटर है एस, तीसरा लेटर है एल, और लास्ट लेटर है आर। तो फिर हम किसके गिर्द दायरा बनाएंगे, किसके गिर्द सर्कल बनाएंगे, एल के गिर्द सर्कल बनाएंगे। तो चलो बनाओ सर्कल, बनाए सर्कल। अब हम देखेंगे सेकंड स्ट्रिप। ये है सेकंड स्ट्रिप, यहाँ पर भी आपको 5 पिक्चर्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम इन तस्वीरों के नाम अंग्रेजी में जान लेते हैं। पहली तस्वीर का नाम है हैट, दूसरी तस्वीर का नाम है हट, तीसरी तस्वीर का नाम है हैन, चौथी तस्वीर का नाम है हॉर्स, और पांचवी तस्वीर का नाम है थट। यहाँ पर पांचों तस्वीरों के नाम ह की आवाज से शुरू हो रहे हैं, और ह को अंग्रेजी में एच कहते हैं। अब हम नीचे के लेटर्स को पढ़ेंगे और उसमें एच तलाश करेंगे और उसके गिर्द सर्कल बनाएंगे। पहले लेटर का नाम है एच, दूसरे लेटर का नाम है एस, तीसरे लेटर का नाम है एल, और चौथे लेटर का नाम है आर। अब हम किसके गिर्द सर्कल बनाएंगे, एच के गिर्द। तो फिर बनाओ सर्कल। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड स्ट्रिप। ये है थर्ड स्ट्रिप यानी तीसरी 70, यहाँ पर भी आपको 5 पिक्चर्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम इन तस्वीरों के नाम अंग्रेजी में जान लेते हैं। पहली तस्वीर का नाम रोज, दूसरी तस्वीर का नाम रो, तीसरी तस्वीर का नाम रिबन, चौथी तस्वीर का नाम रैबिट, और लास्ट तस्वीर का नाम रेडिश। यहाँ पर पांचों तस्वीरों के नाम र की आवाज से शुरू हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे के जो लेटर्स है उनको पहले पढ़ेंगे और उसमें र को अंग्रेजी में आर कहते हैं। आर को तलाश करेंगे और उसके गिर्द सर्कल बनाएंगे। तो फिर पहला लेटर एच, दूसरा लेटर एस, तीसरा लेटर एल, और चौथा लेटर है आर। तो फिर हम आर के गिर्द सर्कल बनाएंगे, बन गया सर्कल। अब हम देखेंगे लास्ट स्ट्रिप। ये है लास्ट स्ट्रिप यानी आखिरी 70, यहाँ पर भी आपको 5 पिक्चर्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम इनके अंग्रेजी में नाम जान लेते हैं। पहली तस्वीर का नाम सन, दूसरी तस्वीर का नाम सैक, तीसरी तस्वीर का नाम स्टार, चौथी तस्वीर का नाम सॉसर, और लास्ट तस्वीर का नाम है सो। यहाँ पर पांचों पिक्चर्स के नाम स की आवाज से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम नीचे जो हुर्फ दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले उन्हें पढ़ेंगे। उसमें स यानी अंग्रेजी में स को एस कहते हैं, एस तलाश करेंगे और उसके गिर्द सर्कल बनाएंगे। तो फिर चलो, पहले लेटर का नाम है एच, दूसरे लेटर का नाम
एस, तीसरे लेटर का नाम एल और चौथे लेटर का नाम है आर। तो फिर हम किसके गिर्द सर्कल बनाएंगे? एस के गिर्द। बनाओ सर्कल। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड गुड बाय।